बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ्रेट, मैं हूं आसिफ खान। और आज की वीडियो का मकसद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से वो मौकफ है, और बड़ा सीधा मौकफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड की उस अमल पर जो उन्होंने किया था कश्मीर प्रीमियर लीग में। मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड पर दबाव डाला कि वो अपने प्लेयर्स को ना भेजें वरना उनकी भारत में इंट्री मसला हो जाएगी। कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से आपको मालूम है, आरिफ मलिक जो सदर हैं कश्मीर प्रीमियर लीग के, उन्होंने भी इस पर बात की थी। कल उनका वीडियो भी मैंने यहाँ आपसे शेयर किया है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ कम फॉरवर्ड क्लीन एंड क्लियर। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह कहा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कश्मीर प्रीमियर लीग में इस तरह का तर्ज अमल के दूसरे क्रिकेट बोर्ड पर दबाव डालें कि वो अपने खिलाड़ियों को ना भेजें, ये एक तो मुदाखलत है पाकिस्तान के मामलात में, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस लीग की एनओसी जारी कर चुका है और भारत को इस तरह से नहीं करना चाहिए। बीसीसीआई ने जो ये अमल किया कि दूसरे क्रिकेट बोर्ड पर दबाव डाला, दिस इज़ नॉट राइट। और एक ज़िम्मेदार क्रिकेट बोर्ड होने के नाते उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। दिस इज़ यू नो, ये पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत है। और उन्होंने ये कहा कि आईसीसी के फोरम पर इस मामले को उठाया जाएगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत क्लियरली आ चुका है अब मैदान में, और उन्होंने ये जो बयान दिया है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के हवाले से वो काफ़ी वाजे है। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन जो दीगर क्रिकेट बोर्ड हैं उनसे ऐसा कहा गया कि अपने खिलाड़ियों को रोकें, इस लीग में शिरकत करने से रोकें वरना उनके खिलाड़ियों की एंट्री बंद हो जाएगी भारत में। तो ये ज़रा एक स्टेप आगे चला गया भारत, ठीक है। इसका नाम ऐसा है लीग का कि ये नाम पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जब से पाकिस्तान और भारत यू नो बंटवारा हुआ है, ये नाम हैज़ बीन अ डिस्प्यूट। ठीक है, डिस्प्यूट है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़िम्मेदार क्रिकेट बोर्ड होने के नाते इसकी एनओसी जारी कर चुका है, जो आईसीसी के क्रिकेट बोर्ड जितने भी हैं, आईसीसी के मालिक हैं, वहाँ जो भी टूर्नामेंट करवाता है, जो भी टूर्नामेंट होता है, उसको वो बोर्ड उसकी ज़िम्मेदारी लेता है और वही बोर्ड उसकी एनओसी भी जारी करता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एनओसी जारी कर चुका था, लेकिन कल ऐसा हुआ कि भारत की जानिब से कुछ खिलाड़ियों के एजेंट्स ने ये शिकायत की कि उनको दबाव का सामना, तो दबाव की बात नहीं है, क्रिकेट लीग हो रही है एक और पाकिस्तान में, ये एक अच्छी बात है। अब इसका जो भी नतीजा अब निकलेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आ गया है मैदान में, अब इसका नतीजा क्या निकलता है, क्या आईसीसी इस मामले में बीच में पड़ता है, या आईसीसी के फोरम पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह से कहा है कि वो शिकायत लेकर जाएंगे, ऑफिशियल शिकायत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करेगा, तो अब देखें कहाँ ये बात जाकर रुकती है। वायरल कश्मीर प्रीमियर लीग के पीछे अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी खड़ा है, और अब ये लीग होगी और अच्छी तरह से होगी। उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे तरह से हो जाए। इस प्रोग्राम से बस इतना ही, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप। फिर खुदा हाफिज़।